कि अपने अपनी फितरत है, अपने अपनी आदतें हैं, लेकिन हमारे लोगों पे होने वाले जुल्म की लड़ाई को तो हमारे लोग ही लड़ेंगे जी। नेता बेसिकली कुर्सी तक ज़्यादा बंधे होते हैं, कुछ एक नेता छोड़ दीजिए तो ज़्यादातर कुर्सी से बंधे होते हैं, उनका सारा काम कुर्सी हाथने में। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ये कुर्सी टेम्परेरी है, किसी की परमानेंट नहीं है। ये आई आप समाज के लिए काम कीजिए, समाज तो कम से कम आपको होगा कुर्सी पर रह के भी समाज के लिए काम किया, समाज के हक के लिए लड़े, वरना कोई याद करने वाला भी नहीं बचेगा। कुर्सी पहले भी बहुत लोग मंत्री रहे हैं, एमपी एमएलए रहे हैं, उनका आज बच्चे नाम भी याद नहीं रखते, जानते भी नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को नहीं जानते जिन्होंने समाज को वापस कुछ दिया नहीं, समाज के लिए कुछ किया नहीं, लेकिन जिन लोगों ने बाबा साहेब के मिशन को आगे चलाया, जिन्होंने समाज के आंदोलन को आगे चलाया, जिन्होंने समाज के लिए काम किया, उनको आज भी लोग नाम याद लेके याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो मैं समझता हूँ आज समाज के सामने बड़ा संकट है, क्योंकि बाबा साहेब के बनाए संविधान को जिस तरीके से केंद्र की सरकारें और बहुत सारी राज्य की सरकारें जिस तरह संविधान की अवहेलना कर रही हैं और जिस तरह हमारे समाज का एक एक करके उसके हक को छीन रही हैं, ये समाज के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक समय। समाज को एकजुट होना पड़ेगा, और समाज है तो कुर्सी है जी। समाज ही नहीं रहेगा तो कौन तुम्हें कुर्सी देने वाला है? रिजर्वेशन ही नहीं बचेगा तो तुम्हारा तो फिर कुर्सी वैसे ही खत्म हो जानी है। एनसीआर में हजारों बेगुनाह जेल में बंद है, और बहुत ही दुखदाई बात है ये। मैं खुद पहले इस बात को बार बार जगह जगह बोल रहा हूँ, और समाज के लोगों को ज़मीनी तौर पर हम उस पर बैकग्राउंड में काम भी कर रहे हैं कि हमारे युवा छूट जाएँ, वहाँ वकीलों को खड़ा करने में उसमें हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं जैसा हमें निभानी चाहिए। लेकिन निसंदेह जिस तरह हमारे बच्चों को झूठे केसों में फंसा के जेल में डाल दिया गया है, ये और कुछ नहीं है, हमारे समाज के बढ़ते इस जो हमारे समाज का जो मनोबल बढ़ रहा है, जो समाज के हक के लिए लड़ने का जज्बा बढ़ रहा है, उस जज्बे को कमजोर करने के लिए, उस जज्बे को डाउन करने के लिए, उस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, हमारे मनोबल को तोड़ने के लिए हमारे युवा बच्चों पर झूठे केस बनाए गए, ताकि हमारे समाज का मनोबल गिर जाए और हमारा समाज दोबारा कभी भी अपने हक के लिए कभी रोड पर ना उतर पाए। सर 17 मई को अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया, उसको अभी डीपीओ यूपीपी के द्वारा अभी उसका स्टैंप नहीं लगाई गई है। जब इस तरीके के जजमेंट आते हैं, एट्रोसिटी का जजमेंट आया, दूसरे दिन स्टैंप लगा दी गई। देखिए आप ये मानिए, व्यवस्था इस तरह की बन गई है कि हमारे खिलाफ कुछ आता है तो वो कॉपी आती नहीं, उससे पहले उसको लागू कर देते हैं, और हमारे फेवर में अगर कोई चीज़ आती है तो वो इंतजार करते हैं। कभी कभी तो कॉपी आने के बाद भी उसको प्रेशर करना पड़ता, तब जाके उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये तो इनकी आदत बन गई है। अब मुझे लगता है हमें इनके भरोसे पे नहीं रहना चाहिए, हमें एकजुट होना चाहिए, अपने समाज को इकट्ठा करना चाहिए, और अपने हक के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। आज हमें केवल रिजर्वेशन से काम चलने वाला नहीं है, रिजर्वेशन है ही कहाँ, नौकरियाँ ही कहाँ, कितनी नौकरियाँ निकलती हैं, कितने बच्चे नौकरियाँ ले पाएंगे। मुझे लगता है रिजर्वेशन से हट के अब हमें खेती की भूमि में अपना हिस्सा, उद्योग धंधों में अपना हिस्सा, प्राकृतिक संसाधनों में अपना हिस्सा लेने के लिए डिमांड मजबूती से उठानी पड़ेगी, तब ये लोग काबू में आएंगे, तब लोग हमारे समाज का करेंगे। हम जो प्रयास कर सकते हैं, छोटा सा आधा दूर राज्य है, मैंने खुद चिट्ठी लिखी एलजी को, चीफ सेक्रेटरी को, उसकी जितने भी विभाग हैं उनमें जितनी वैकेंसीज हैं आप उनको तुरंत आइडेंटिफाई कीजिए और उनको बैकलॉग का निकाल के उन भर्तियों को करने का शुरुआत कीजिए। लेकिन यहाँ देखने में आ रहा है कि एलजी सारी चिट्ठियों को दबा के बैठ जाता है। हम फिर भी अपना निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हम अपना प्रेशर बना के अपने समाज की जो बची वैकेंसी खाली पड़ी उन सबको भरवाएँ, उस पर निरंतर हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। हम लोग केवल कुर्सी पर बैठ के खुश होने के लिए नहीं गए, क्योंकि कुर्सी तो टेम्प्रेरी चली जाएगी। आज अगर आप अपने समाज से नहीं लड़ेंगे तो कल को कौन याद करेगा? सब लोग कहेंगे तुमने कुर्सी पर रह के कुछ नहीं किया, आप क्या करोगे? तो इसलिए हम तो वहाँ लेके लड़ रहे हैं, हम अपने समाज का काम कर रहे हैं। लोन की प्रक्रिया को भी आसान बना दिया, और जो हमारे लोग जो फीवर में डूब के मर जाते थे उनके लिए 200 मशीनें मिल रही हैं, मशीनें उनको खरीदवाने का लोन दिलवा रहे हैं, उनको मशीनों का मालिक बना रहे हैं। तो अब हमारे समाज के लोग मजदूर ना बन के उन मशीनों के मालिक बनेंगे, एक मशीन पर 4 लोग को रोजगार देंगे। तो कई तरह की योजनाएं हैं, जो योजनाएं कभी कभी आप मिलके बैठेंगे तो हम आपको बताएंगे। बहुत सारी योजनाओं पर हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि समाज का विकास केवल सरकारी नौकरी के दम पे आगे नहीं बढ़ सकता, उसके लिए और भी प्रयास करने होंगे, जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं।
तो आप कभी बैठोगे तो उन सारे मुद्दों को भी आपको बताएंगे। देखिए ये वो घटनाएं जो प्रेस में किसी तरीके से आ जाती हैं, लेकिन ये जितनी घटनाएं प्रेस के माध्यम से आती हैं उससे हजार गुना ज्यादा घटनाएं घट रही हैं, जो घटनाएं प्रेस में पता भी लग जाती है। मुक्ति मिलने वाली नहीं है। बाबा साहब ने संवैधानिक दृष्टि से आज़ादी दिला दी, आगे बढ़ने के हमारे रास्ते खोल दिए, लेकिन वास्तविक आज़ादी लेने के लिए अभी हमें और लड़ना पड़ेगा और वो हमें एकजुट होकर हम लड़ सकते हैं। देखिए जो भी पत्रकार समाज के सही स्थिति सच्ची स्थिति को सामने रखता है उसी को जान से मारने की धमकी दी जाती है। जैसा अभी रवीश जो NDTV के बड़े बहुत बड़े एंकर हैं और वो सच को सामने रखने का प्रयास करते हैं, उनको जो धमकियां दी जा रही हैं हम उसकी भर्त्सना करते हैं और हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह वो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के मंत्री MLA को अरेस्ट करने में लगी रहती है तो उन लोगों को तुरंत अरेस्ट करें जो धमकी दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इस सच को तो मैं भी जानता हूँ आप भी जानते हैं। मामला हो तो मुझे बताइए, मेरी नजर में दिल्ली में कुछ नहीं है, आप पहले लाके बताइए तब बात करेंगे। मुझे लगता है इसे डरने की जरूरत नहीं है, धमकाने वाला अपना काम कर रहे हैं क्योंकि वो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, वो दोबारा से हमारे समाज को गुलाम बनाना चाहते हैं। सारी चीज़ें उनके कब्जे में, देश की सत्ता उनके कब्जे में, देश की जमीन उनके कब्जे में, सारे संसाधन उसके कब्जे में और सारी परेशानी इस बात की कि हम लोगों ने शुरू कर दिया है, इसलिए हम लोग हक ना मांगे, हम लोग को वो डर कराना चाहते हैं। तो मुझे लगता है डरने की जरूरत नहीं, हम उनको लड़ने की जरूरत है। मुझे लगता है तो डरने की जरूरत नहीं है, जहाँ तक दिल्ली सरकार की बात है, दिल्ली सरकार के दिल्ली की जमीन नहीं है, दिल्ली सरकार के पास दिल्ली की पुलिस नहीं है, इसीलिए दिल्ली सरकार खुद आज प्रताड़ना का शिकार है। जनता के प्रतिनिधि जो जनता से वादे किए उनको लागू करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के नॉमिनी LG साहब हर काम को रोक के बैठ जाते हैं, तो हमें खुद हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जनता दिल्ली की जनता के लिए लड़ रहे हैं। आपको 3 दिन का सच विधानसभा का बुलाया गया है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पे वहाँ 3 दिन लगातार बड़ी चर्चा होगी और इन होना ही पड़ेगा। आप कम से कम ऐसा है, पहले जो लोग इकट्ठा होकर बोलने लगे हैं, मुझे लगता है बोलने वालों को अप्रिशिएट करो और सबको बोलना ही पड़ेगा अगर उन्हें बने रहना है, वरना वो खुद मिट जाएंगे।